तो इस साल हमारा जो गणपति है बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इस साल हमारे घर में एक नहीं बल्कि दो दो गणपति आए हैं। ये हमारे गणपति का 46th ईयर है, 46 ईयर से हम रख रहे हैं। और ये 46th ईयर जो है बहुत ही स्पेशल, हमें आई थिंक कभी भूल नहीं पाएंगे हम इस साल के गणपति को। बेबीज का पहला गणपति है, सो इट्स अ मोस्ट स्पेशल। एब्सोल्युटली, और हमारे बेबीज ने इन गणपतियों को चूज़ किया है। चॉइस तो हमारी एक ही थी कि हम एक को लाएंगे, लेकिन उन्होंने दो चूज़ किया, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम दोनों को लेकर आ जाए। हमें कभी पता नहीं रहता कि क्या थीम रहेगी इस साल, सो जब हम चूज़ करने जाते तब पता चलता ओके दिस इज़ व्हाट वी शुड ब्रिंग होम, एंड दोनों ने अलग अलग चूज़ किया, सो दोनों को ले जाते। देखो, अगर वियना ने जो चूज़ किया है वो एकदम पतले से यू नो कर्ली बाल नटखट कृष्णा टाइप, और बेला ने चूज़ किया है उसकी टाइप का बाल गणेशा लड्डू जैसा गोल मटोल। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका सवाल क्या है। बिग बॉस को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ, बिकॉज मैं हर साल बिग बॉस देखता हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो मुझे चारों को ले जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। इट वुड बी वंडरफुल बिकॉज इट वुड बी अ पेड वेकेशन फॉर 3 मंथ्स आई थिंक, और एक फैमिली शो भी बन जाएगा। तो अगर बिग बॉस में जाना चाहूँगा तो चारों के साथ जाना चाहूँगा, वरना मुझे पता नहीं। और सर आजकल देख रहे हैं कि जो भी टीवी स्टार्स हैं या मेल या फीमेल लोग बॉलीवुड की तरफ रुख कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका कितना रुझान है बॉलीवुड में? मैं तो झुकने का आदी नहीं हूँ, चाहे लोग कहीं भी झुके, किस तरफ भी झुके, मुझे तो सिर्फ एक चीज़ करनी आती है, वो है एक्टिंग, और वो है एंटरटेन करना, वो है लोगों दर्शकों को बेसिकली इंजॉय करवाना, जिस तरह के रोल्स में करता हूँ, चाहे वो सीरियल्स में हो, चाहे थिएटर हो, चाहे फिल्म हो। आई थिंक लोग कुछ ज़्यादा नॉट एक्साइटेड, ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि बॉलीवुड जाएंगे और हम सुपरस्टार बन जाएंगे। अगर एक्टर हो तो एक्टिंग करो, काफ़ी सारे बॉलीवुड स्टार भी हैं जो घर पे बैठे रहते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, कुछ काम नहीं है। अगर एक्टिंग आती है, जहाँ मौका मिलता है जाके करो, ऐसे मत बोलो कि हमें सिर्फ पिक्चर चाहिए, बिकॉज पूरी शायद लाइफ निकल जाएगी, पिक्चर नहीं मिलेगी तो तब क्या करोगे? Well, I'd love to do a web series. I think it's one of very एक नया platform बना है हाल ही में, इनफैक्ट टीजे एक नया वेब शो कर रही है, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। You want to talk about it? अभी मैंने कम्प्लीट किया, और वो भी बेला वियना की वजह से मुझे मिला है। इट्स अ शो कॉल्ड 9 months ऑन firstpost.com, डिजिटल शो है, और आई थिंक इट्स अ रियली ग्रेट आइडिया, बिकॉज आजकल के जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हमारी तरह जैसे, देर लाइक अस, they're young, they're working, they're managing children, so it was a great idea to do a show like this. It's in the third season, and मैं बहुत ही खुश हूँ कि third season के लिए उन्होंने मुझे choose किया as a host, so I get it's to talk about my experience, and we talk to celebrity parents and how do they manage. हाँ, कि पहले ज़माने में कैसा था बच्चों का ध्यान रखना, और अब के ज़माने में कैसा है कि how do we take care of kids, so it's very interesting, you must watch it. ये तो रियलिटी शो था वेब शो को लेकर, बट इट्स रियली नाइस दैट द डिजिटल स्पेस इज ओपनिंग अप एंड इज गिविंग एक्टर्स सो मच वर्क, एंड यू नो इवन बॉलीवुड स्टार्स हु ऑलवेज थॉट स्मॉल स्क्रीन, आई सी ऑल ऑफ देम डूइंग वेब सीरीज, एंड आई थिंक इट्स रियली गुड दैट एवरीबॉडी इज गेटिंग बैक टू एक्टिंग एंड नॉट वरीड अबाउट द मीडियम। थैंक यू।